हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 32 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगशी और विंग ड्रैगन बोट फेस्टिवल में घूम रहे हैं, जहां पर वांगशी और विंग के बीच में बातें चल रही होती है। वांगशी विंग को बताता है कि वो उससे जेलस था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके हस्बैंड का लवर है। विंग कहता है, मुझे लगा तुमने हमारी स्टोरी के बारे में सुना होगा। दोनों के बीच में बातें चल ही रही थी, तभी वांगशी ने पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? इस पर विंग हल्के से बुदबुदाया, ओह ये तो बड़ी दुखद घटना है, मैं क्या बोलूँ। विंग ने ऊपर के आसमां के सितारों को निहारना शुरू किया और वांगशी को भी एक मौका मिल गया विंग को पास से देखने का। अब विंग बताने लगा, इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब एम्परर अपने सीजन के साथ माउंटेन्स में छुप कर रहते थे। वो काफ़ी छोटे थे और उन्हें अपनी इन एनर्जी पर कंट्रोल करना भी नहीं आता था। शुचुंगाए ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी उसका सारा ध्यान अपने राज्य को बढ़ाने में था। उस वक्त मैं बस एक छोटा सा पिल्ला था, शायद प्रिंस से भी छोटा। उस वक्त शुचुंगाए ने मेरे माँ के सभी परिवारजनों को मार डाला, क्योंकि हमने उनके आदेश मानने से मना कर दिया था। वो हमें भी उनके साथ जोड़ना चाहते थे। मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और फिर पर्वतों में रहने लगा। उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि ड्रैगन प्रिंस कहाँ रहते हैं, और शुचुंगाए ने हर तरफ ये बात फैला दी थी कि ड्रैगन प्रिंस लड़ाई में मारे गए हैं। पर मेरी मम्मा फूलों पौधों से बात करना जानती थी, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानती थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि ड्रैगन प्रिंस जिंदा है। इसलिए मैं जैसे ही वहाँ से निकला, मैं खुद ड्रैगन प्रिंस को ढूंढने के लिए चला गया, और किसी तरह से कुछ महीनों बाद मुझे वो मिल भी गए। वो एक बड़े से बच्चे की तरह थे और उनके पूंछ का वजन बाकी शरीर से भी ज़्यादा था। उसके एंटलर्स हमेशा पेड़ों की शाखाओं में फंसते रहते थे और मैं सोचता था, ये वो बच्चा है जो हमें बचाएगा। पर मैंने उसकी मदद करने का तय किया, विंग ने चकर करते हुए कहा। फिर उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे कि वो अपने आप से ही बात कर रहा हो। उसने कहा, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा लांझा, पर मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले सकता हूँ, और तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैंने वही किया। मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तब तक उसका स्पिरिचुअल गार्डियन बनकर रहूँगा जब तक शुचुंगाए और उसके जैसे बाकी सारे लोग मिट्टी में नहीं मिल जाते। और देखो मैं यहाँ हूँ, हजार सालों के बाद भी प्रिंस अब एम्परर बन गए हैं, और मैं अपनी प्रतिज्ञा में अभी भी बंधा हुआ हूँ। मैं अभी भी उसकी मदद कर रहा हूँ। वांगजी विंग के हर एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था विंग ये क्या बात कर रहा है। प्रतिज्ञा? उसने पूछा। विंग ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा यह शरीर तब तक प्रिंस इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, जब तक वो श्रापित है। मैं दुनिया के लिए उनके आँख और कान बनूँगा, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी दिया है। तुम्हारा नाम? वांगशी बुदबुदाया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विंग ने कहा, हाँ विंग मेरा असली नाम नहीं है, तुम जानते हो ये नाम मुझे एम्परर ने दिया है। वी का मतलब है भूतों के जैसा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का दिमाग इस बारे में बिल्कुल नहीं चलता, और यिंग नाम उसने रखा है अपनी बचपन की कोई किताब से पढ़कर। वो कहता था मेरे जैसे भयानक क्रीचर का नाम घोस्ट बेबी होना चाहिए, इसलिए मेरा नाम विंग रखा। विंग ने चकल करते हुए अपने शराब का जार गोल घुमाया और फिर उठाकर थोड़ी सी शराब अपने मुंह में डाल ली और फिर बोला, गधेड़ा कहीं का। फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? वांगजी ने आराम से पूछा। एक पल के लिए भी उसकी नज़रें विंग के चेहरे से नहीं हट रही थी। अब विंग ने मुड़कर वांगजी की तरफ देखा गौर से। एक पल के लिए वांगजी की आंखों से आंखें मिलाई और फिर उसने कुछ तय किया।
और कहा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है, पर क्योंकि तुम मेरे मास्टर के साथ ही हो इसलिए तुम भी मेरे मास्टर हो, तो तुम्हारे लिए ये बात मैं बता सकता हूँ। मेरा नाम तुम्हारे हस्बैंड से मिलने से पहले शानियो था। फांगजी को उस रात नींद नहीं आई, उसे बाशन सरें से खबर मिल गई थी आज उसके हस्बैंड केव में ही रहेंगे, तो उनका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या सोचना चाहिए उस बारे में जो उसे विंग से पता चला या शानी उसे। इसका मतलब क्या वांगजी गलत था? क्या विंग उसका हस्बैंड नहीं था, या फिर वो पूरे वक्त उसका हस्बैंड नहीं होता? पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे क्यों लगते हैं अगर वो एक नहीं है तो? या फिर उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था? फिर वांगजी के मन में उसके लिए भावनाएं क्यों परंप रही है? वो तो उसका हस्बैंड नहीं है ना? ये शंका वांगजी के दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी। न सिर्फ दिल में कसक उठ रही थी बल्कि पेट भी इन चीज़ों को पचा नहीं पा रहा था, ना इस खबर को ना ही किसी और चीज़ को। उसे शादी के दूसरे दिन बाशन सरन के साथ की हुई बातें याद आ गई। उन्होंने दो पेपरमैन के जरिए उसे ये बताया था कि एम्परर ही हॉलीजिंग है, पर कल जब वो विंग से बात कर रहा था तब वांगजी को ऐसा लगा कि विंग सच बोल रहा है। क्या पता सच्चाई इससे भी बहुत बड़ी हो जिसे वो अभी नहीं समझ पा रहा है। ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, वांगजी के दिमाग के साथ साथ उसके पेट में भी अब पूरा चक्रवात चल रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि पेट भरने के बाद भी उसने तांगोलू क्यों खाया। वेंजिंग के कहे अनुसार वो अभी भी अदरक छुपा रहा था ताकि उसका पेट थोड़ा सा शांत हो जाए, पर अदरक के स्वाद ने उसकी जीभ जला दी, तो फिर उसे उस मंथस के स्वाद वाली चाय पीनी पड़ी। पर इस सब से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वांगजी का मन अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बाशन सरन को चिट्ठी लिखी, उन्हें चाय पर आमंत्रित किया ताकि वो उनसे सीधे सीधे पूछकर अपने दिल की शंका मिटा सके, उसे शांत कर सके। और जब तक बाशन सरन वहाँ आ नहीं जाती, वांगजी ने गुजिन बजाकर अपना दिल बहलाने की कोशिश की। कई सारी अलग अलग आधी अधूरी धुन बजाने के बाद वो आखिरकार उसी धुन पर आकर रुक गया जो उसने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। संगीत हमेशा से ही वांगजी के लिए वो चीज़ थी जहाँ पर वो आकर रुक जाता था, जहाँ से वो आगे संगीत के जरिए सोच पाता था। फिर भी उसे आज अपनी धुन से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ऐसा हमेशा नहीं होता था, पर जब उसकी आंखें मूंदने लगी तो वांगजी को समझ आया कि उसने पूरा पहर बिता दिया। आज भी लगातार दूसरी रात वो अपने शादी के बेड पर अकेला लेटा हुआ था। उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर देने वाले उसके लार्जर देन लाइफ हस्बैंड उसके सामने नहीं थे, और ये सुनापन बस बेड पर नहीं था, उसके दिल में भी था। तो वो उठा और अपने कमरे से बाहर निकला आंगन की तरफ, जहाँ पर रैबिट्स का वो पैकड़ा रखा हुआ था। उसकी आवाज़ से ताता उठ गया और वांगजी के पीछे पीछे उसके कमरे तक आ गया। अब वांगजी अंगीठी के पास बने अरहत बिस्तर पर लेट गया, तो ताता भी उसके करीब आ गया और उसे बाहों में लेकर अब जाकर वांगजी को अच्छे से नींद आई। ड्रैगन बोट फेस्टिवल वांगजी की शादी और एम्परर की ताजपोशी के बाद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उत्सव बना। निहुएसांग और जिन जियाओ अपनी जी जान लगाकर सारी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ही हर चीज़ के कर्ता धर्ता थे। वैसे एम्परर और वांगजी भी सारी चीज़ों का ध्यान रखा करते थे, खासकर बड़ी चीज़ों का, जैसे कि बोट रेस जो लोटस पियर से शुरू होकर हीलिंग में आकर ख़त्म हुई। ये सारे उत्सव के दरमियान वांगजी अपने हस्बैंड को
देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। वो शांत दिख रहे थे, पर उनका शांत स्वभाव ऐसे लग रहा था जैसे पिंजरे में कैद पशु हो, गुस्सैल और छूटने के लिए तत्पर। वांशी को उनकी बेसब्री महसूस हो रही थी, जैसे कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हो। बस दूर से देखना उन्हें कतई पसंद नहीं आ रहा था। वांशी हर रात उनका इंतज़ार करता था कि कब उसके हस्बैंड मान जाएंगे और फिर उसके साथ हो जाएंगे। एक दिन जब खास कर धनुर्विद्या प्रदर्शन हो रहा था, एम्परर की छी बहुत ज़ोर से वाइब्रेट कर रही थी। वांशी ने तुरंत एम्परर का हाथ पकड़ लिया, वो पीछे खींच लिया, साथ ही अपने स्लीव से उसे ढक दिया। एम्परर काफ़ी देर तक अनजाने में वांशी का हाथ सहलाते रहे, वो काफ़ी देर तक खोए खोए से रहे। इस धनुर्विद्या प्रदर्शन में जिन जिशुआन ने अपने कौशल से सबका मन मोह लिया, से इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वांशी को लगता था अगर उसके बड़े भाई इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते तो वो ज़रूर जीतते, पर उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बजाय इसे देखना ज़्यादा पसंद किया और नीमिंगजे भी उनके लिए छाता पकड़ कर खड़े रहे, बल्कि दोनों ने अलग अलग प्रकार के पकवानों का भी आनंद लिया। वांशी ने भी जिन जिशुआन को बधाइयाँ दी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि जिन जिशुआन ने इस प्रतियोगिता का ये विजेता पद अपनी होने वाली पत्नी जिया ज्ञानली को अर्पित किया, जिसे उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद उन्होंने उनके लिए बनाए गए स्पेशल बूथ पर जाकर ड्रैगन बोट ड्रेसेस का आनंद उठाया। बाकी के सेक्ट लीडर और महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद की तलवारों पर उड़कर नदी में सारे लोगों का पीछा करते हुए देख रहे थे कि उनकी बोट जीत रही है या नहीं। उस वक्त विंग ने उनके लिए खास तलिस्मान बनाए थे जिनसे दूर का नज़ारा पास से दिखाई देता था। इस बात पर निहोए संग ने वो तलिस्मान रोल करके अपनी दाहिनी आंख पर पकड़ते हुए कहा, महाराज आपका हॉलीचिंग तो सच में बहुत होशियार है। एम्परर ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है। इस पर वांशी एम्परर को देखता रहा। पता नहीं क्यों पर वो नाराज था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड को जानता ही नहीं। उसने अपने आप को ड्रैगन बोट रेस देखने में व्यस्त रखा, साथ ही उसके कानों पर उसके बड़े भाई की बातें भी पड़ रही थी, जो नियमिंगजे से ये कह रहे थे कि उन्हें पिछले हफ्ते एक खत मिला है लान मिंगशिया की तरफ से। वो कह रही थी वो अपने बच्चे और पत्नी के साथ इस नई जिंदगी में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। तभी सेक्ट लीडर याओ ने इसका मजाक बनाते हुए कहा, उसकी पत्नी और उन्हें बच्चा भी है, मुझे लगता है इसके पीछे किसी और मर्द का हाथ है। दान सिचन ने कहा, उसकी पत्नी दानियन जो मेरे भाई की तरह है याओ झांगसू। इस पर सेक्ट लीडर याओ ने कहा, ओ समझ गया, अच्छी बात है। उन्होंने तुरंत इस बात को बदल दिया और फिर डर के मारे एम्परर की तरफ देखने लगे, क्योंकि एम्परर के सर के पीछे से मोर के पंख की तरह रिसेंटमेंट एनर्जी हर तरफ फैलने लगी थी। वांशी ने फिर से एक बार अपने हाथ में पकड़ा एम्परर का हाथ सहलाया, उन्हें शांत करके उस रेस का आनंद लेने के लिए कहने की कोशिश की। कहीं ना कहीं एम्परर को भी पता चल गया कि वांशी असहज महसूस कर रहा है। वो धीरे धीरे वांशी की तरफ झुकने लगे और फिर वो वांशी की तरफ देख कर गुसगुसाए, जैसे वो चाहते हो कि बाकी कोई उनकी बात ना सुने। एम्परर कह रहे थे, जब मैं छोटा था मेरे सारे ड्रैगन गगा और शुशु इस ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया करते थे। वांशी एक पल के लिए अपने हस्बैंड को गौर से देखता रहा। ये पहली बार था जब एम्परर ने खुद से अपने परिवार के बारे में कुछ बताया था। फिर एम्परर आगे बताने लगे, बाबा को रेस में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उन्होंने वांशी के हाथ पर अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, अगर वो हिस्सा लेते तो हमेशा जीतते, इसलिए वो बस उनके साथ तैरते थे मुझे पीठ पर लेकर, और फिर हम दोनों इस बात की शर्त लगाते थे कि कौन जीतेगा। तुरंत वांशी की आंखों के सामने वो चित्र छलक गया जब उसे चढ़ावा के दौरान विंग और उसके पिता की झलक दिखी थी। पुराने एम्परर अपने बेटे के साथ
बहुत प्यार से रहते थे। इस छोटी सी याद से भी ये पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अब वांगशी सोचने लगा उसके पति को किस तरह से बातों में उलझाया जाए ताकि वो और बोले, पर क्या बताना है, क्या कहना है, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो बस उसने फिर से एक बार एम्परर के हाथ को स्क्वीज़ किया। शायद एम्परर भी उसके दिल की भाव समझ गए और आगे बताने लगे, वो मेरी सबसे पसंदीदा छुट्टियां हुआ करती थी। मेरे पापा मुझे बहुत चढ़ाया करते थे क्योंकि ये उत्सव ड्रैगन के सम्मान में मनाया जाता था और इसलिए मुझे हमेशा एक तोहफा ज़्यादा मिलता था। पर सच कहूँ तो मेरा सबसे बड़ा तोहफा ये था कि मेरी मम्मा किसी तरह से छुपकर महल से निकलती थी और शाम के समय मुझसे और पापा से मिलने आया करती थी। वह हमेशा अपने साथ किसी तरह के मास्क लाया करती थी और वो हम दोनों को पहनने पड़ते थे। पर सच कहूँ तो वो बहुत अजीब अजीब मास्क लाती थी, खासकर पापा के लिए, और उन्हें ज़बरदस्ती वो पहनाती थी। अब वांगशी ने अपने अंगूठे से अपने हस्बैंड के हाथ को सहलाना शुरू किया। एम्परर के हाथ बिल्कुल चेड़ के जैसे थे। वांगशी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी दिन हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करें। वांगशी को तुरंत अपने शब्दों का पछतावा हुआ। वो दोबारा से बच्चों का जिक्र कैसे कर सकता है जबकि उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर शुक्र है कि एम्परर इस बात पर बस हंस दिए और कहा, ओ लांजा, अगर मैं सबसे अजीब अजीब मास्क ढूंढ कर भी लाऊँ ना, तब भी हम लोगों से छुप नहीं सकते क्योंकि मेरे साथ तुम होगे और तुम जितना चाहे अजीब मास्क पहन लो, लोग तुम्हें आसानी से पहचान देंगे क्योंकि तुम्हारे जितना खूबसूरत और कोई कहीं भी नहीं है। वांगशी के कान तुरंत लाल हो गए और पेट में भी तितलियाँ उड़ने लगी। उसके हस्बैंड सच में बहुत जिद्दी थे। वांगशी ने तुरंत अपने हस्बैंड को एक चपट लगाते हुए उनसे दूर हटने की कोशिश की। तब एम्परर ने कहा, आयो लांझा, ये बिल्कुल सच है, तुम्हारी खूबसूरती चांद से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ चांद और आसमान के सारे सितारे मिलकर भी तुम्हारे सामने बिल्कुल फीके हैं, तुम्हारी चमक ही बिल्कुल अलग है। बकवास बंद कीजिए, वांगशी ने कहा तो सही, पर उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसके हस्बैंड बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे कल रात वींग उसे चुढ़ा रहा था। एम्परर ने हमें आवाज़ की जैसे कि वो वांगशी के दिल की बात समझ रहे हो। एम्परर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वांगशी के चेहरे पर अभी भी उसकी वेल थी जो वो ऐसे समारोह में लोगों के बीच पहना करता था। एम्परर के हाथ प्यार से वांगशी के गालों पर घूमने लगे। तभी वहाँ के लोग हंसने लगे, चिल्लाने लगे, पर वांगशी का किसी भी बात पर ध्यान नहीं था, उसे बस अपने हस्बैंड की छह एनर्जी महसूस हो रही थी। वांगशी ने अपनी आंखें मूंद ली थी, पर तभी वो दोनों डिस्टर्ब हुए जब श्यांग वानी ने ज़ोर से सीटी बजाई क्योंकि उनमें इस बोट रेस में जीत गया था। इन सारी बातों से वांगशी के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने पीछे जियांग यानली की तरफ देखा जो अपने मंगेतर और भाई के एक सीट पीछे बैठी थी। उस शाम को वांगशी ने जल्दी वहां से निकलने का तय किया। जाने से पहले उसने जियांग यानली की तरफ इशारा किया और यानली भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल दी। उस रात के लिए नी हुईसांग ने एक नौटंकी का आयोजन किया हुआ था और एम्परर पूरे मन से उसका आनंद ले रहे थे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इसलिए वांगशी उनकी नज़र में आए बिना वहाँ से निकल पाया। पर जियांग यानली अपने भाई की नज़रों से बच नहीं पाई। जियांग वानी ने तुरंत आगे आते हुए पूछा, ये सब क्या है, आप दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कुछ ज़रूरी काम है दीदी, जियांग यानली ने कहा। उसकी शांत आवाज़ बिल्कुल गंभीर लग रही थी। यानली ने एक नज़र वांगशी की तरफ देखा, फिर दोनों भी एक साथ मुस्कुराए। यानली ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों ऐसा ही करते थे जब यानली व्याख्यान के लिए क्लाउड रिसेसेस में आई थी और तलवारबाजी के बाद
यानली का सर घूमने लगता था। तो वांगची ऐसे ही किसी बहाने से उसे सुरक्षित उसके कमरे तक पहुंचा देता था। अब यानली और वांगची मिलकर क्या करने वाले हैं, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।